जय माता दी। कैसे हो आप सब? तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और पूरा एक साल हो चुका है मुझे YouTube पे आए हुए। और कैसे बनाती हूँ मैं वीडियो, आज की वीडियो में बस यही बताऊँगी। और बिना ट्राईपोड के मैं कैसे वीडियो बनाती हूँ आज यही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, पूरे एक साल में कैसे मैंने वीडियो बनाया बिना ट्राईपोड के। तो ज़रूरी नहीं है ट्राईपोड होना, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए हम सोचते थे कि नहीं मैं कैसे वीडियो बनाऊँगी क्योंकि ट्राईपोड ही नहीं है मेरे पास। तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, बिना ट्राईपोड के भी आप वीडियो बना सकते हैं। जिनके पास ट्राईपोड नहीं है, वैसे तो बहुत से तरीके होते हैं, पर जो मैंने तरीका आजमाया है मैं वही आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो पूरे साल मैंने कैसे वीडियो बनाया ये आप लोगों को आज बताऊंगी। वैसे 5-6 महीने तक तो मैंने ऐसे ही वीडियो बनाया, किसी कभी बच्चे के पास पकड़ा दिया, या फिर जैसे हमने एक हाथ में फ़ोन पकड़ रखा है और दूसरे हाथ से काम कर रहे हैं। थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि फ़ोन हिलता रहता है, कैमरा हिलता रहता है, तो थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन क्या करें जब हम किसी चीज़ को ठान लेते हैं। किस रसोई घर में काम कर रही थी तो फिर मुझे एकदम से दिमाग में आया कि क्यों ना जो हमारे ये रसोई में ही होते हैं जैसे चम्मच स्टैंड, तो मैंने फ़िलहाल ये ले लिया था। तो कई चम्मच स्टैंड भी बोल सकते, ब्रश वगैरह भी रखते हैं, तो जो भी चीज़ सामान रखने का जो स्टैंड होता है फिलहाल 10-20-30 रुपए में आ जो मिलता है दुकान से वही लिया है मैंने। और ये बहुत ही आसान तरीका है, वैसे एकदम से ही दिमाग में आ गया था कि इसे यूज़ करके देखते हैं। तो फिलहाल मैंने 3-4 महीने ऐसे ही वीडियो बनाया, खुद से ही फ़ोन पकड़ा या फिर कभी बच्चों से पकड़ा दिया, क्योंकि दिमाग में इतना नहीं था कि फ़ोन को कहाँ रखें कैसे रखें। और ट्राईपोड तो था ही नहीं फिलहाल, ट्राईपोड का भी मुझे नहीं पता था कि ट्राईपोड वगैरह भी होता है फ़ोन रखने के लिए, जो मैंने यूज़ भी किया है। तो इसके 7-8 महीने तक मैंने फिर इसी से ही वीडियो बनाया है, पूरा एक साल हो चुका है अब मुझे। तो फिलहाल मैंने ये चम्मच स्टैंड लेकर और इसके ऊपर जैसे ये वाला चाकू रख दिया मैंने। तो फिलहाल मैं जैसे मैं बनाती हूँ वैसे ही बता रही हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे ही वीडियो बनाया है और अब भी बना रही हूँ। तो जैसे ही हमने चाकू रखा और इसके ऊपर ना हमने ऐसे फ़ोन रख दिया, ये देखिए। तो बस इसमें एक ये फ़ायदा हुआ कि जैसे फ़ोन हिलता था बार बार, तो वो हिलने से बच गया और एकदम जहाँ पे हमने सेट कर दिया वहीं फिर फ़ोन सेट हो जाता है। तो फिलहाल ये देखिए, फ़ोन जैसा भी आप सेट करोगे एकदम से वहीं सेट हो जाएगा, हिलेगा नहीं। तो फिलहाल यहाँ पे ऐसे ही मैंने वीडियो बनाया है। तो जिनके पास ट्राईपोड नहीं है, जो मेरे जैसे गांव से हैं, तो वो ऐसे बना सकते हैं, क्योंकि हर किसी के पास ट्राईपोड नहीं होता और लेना भी मुश्किल होता है भाई, गांव में तो वैसे भी नहीं मिलते हैं, बहुत मुश्किल से मिलते। तो फिलहाल मैंने जैसे भी वीडियो बनाया, और कैसा लगा आपको तरीका? अगर कोई ऐसे बनाता होगा या करता होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। तो फिलहाल मैं जैसे करती हूँ मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया है। मेरे जैसी बहुत सी बहनें होंगी जिनके पास ट्राईपोड नहीं है और जिन्हें वीडियो बनाने में दिक्कत आती होगी, तो फिलहाल वो ऐसे ही करके देखें। ज़रूरी नहीं है यही कुछ भी हो आपके पास, तो उसमें ही आप रख सकते हो, गिलास भी ले सकते हो जिसमें आप फ़ोन सेट कर सकते हो। फिलहाल मेरे पास यही था चम्मच रखने वाला, तो यहाँ पर बस ऐसे चाकू ले लो आप, बड़ा चम्मच ले लो, या फिर पेंसिल ले लो, या पेन ले लो, कोई भी बड़ी चीज़ ले लो, तो जिससे हम सपोर्ट चाहिए बस फ़ोन के लिए। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए ऐसे मैंने किया और बस कैमरा ऑन किया यहाँ से। तो जहाँ भी आपने वीडियो बनानी है तो इसे आसानी से सेट कर दो, हिलने का कोई झंझट नहीं है। तो हमारे घर के ही जुगाड़ू ये ट्राईपोड। तो किसे ये तरीका पसंद आया कमेंट करके ज़रूर बताएं, मुझे तो बहुत अच्छा तरीका लगा भाई, बिना पैसों के बिना खर्चा किए ये अपने घर में ही अपना ट्राईपोड बना सकते हैं, घर का ट्राईपोड। और पूरा एक साल हो चुका है मुझे ऐसे ही मैं वीडियो बना रही हूँ, अच्छा बुरा जो भी जैसा भी बना रही हूँ, तो फिलहाल इसी से ही बना रही हूँ बिना ट्राईपोड के ही। तो एक बार जिनके पास नहीं ट्राईपोड हैं, जो मेरी जैसी बहनें गांव से हैं, ऐसे फ़ोन रखकर वीडियो बनाकर देखें। तो किस किस को मेरा ये तरीका ये जुगाड़ अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे फिलहाल ये देखिए मैं ऐसे ही बनाती हूँ, जैसे बेड पर बनाना हो हमने या कहीं पे बैठे हैं, तो फिलहाल इसके नीचे तकिए रख दो एक दो, और बेड के ऊपर अगर आप कुछ करें तो बस तकिए के ऊपर इसे रख कर तो भी बना सकते हैं, और या फिर दूर से कहीं भी आप इसे सेट करके रख दो, फ़ोन को ऐसे चलता रहेगा, क्योंकि बार बार फ़ोन हिलने की दिक्कत नहीं है, और दूसरों को भी बार बार कहने की नहीं है, क्योंकि बच्चों से करवाएं किसी से भी करवाएं बार बार अच्छा नहीं लगता दूसरे को बोलना कि फ़ोन पकड़ना वीडियो बनाना। तो फिलहाल खुद से ही दूसरों से ना करवा कर खुद से ही वीडियो बनाना, ऐसे कैमरा ऑन करके आप कहीं पे भी रख लो, चाकू की जगह आप कुछ और चीज़ भी रख सकते हो। फिलहाल मैं यही रखती हूँ, जो मैं रखती हूँ जैसे मैं बनाती हूँ मैंने वैसा ही आप लोगों को दिखाया, कोई दिखावा नहीं है इसमें। तो फिलहाल जब मैं चाकू ही रखती हूँ, तो या चाकू रखती हूँ मैं या फिर बड़े वाला चम्मच होता है जो, वो तो बड़े वाला चम्मच भी लगा सकते हो आप। फ़ोन
को सहारा देने के लिए ही हमें इसे रखना है, बस फ़ोन को सहारा चाहिए ताकि फ़ोन गिरे ना, इधर उधर हिले ना। तो फिलहाल यहाँ पे फ़ोन सेट करके आप कहीं भी वीडियो बना सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये तरीका कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।